चिंगारी से बनेला आग और आग से बनेला ज्वाला, और ज्वाला अपना दुश्मन के मारेला ना शराब के राख कर देला। दोबारा हमके धमकी देने के कोशिश मत करिया, आगे बोली या कि रह दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिल्मी वाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं भोजपुरी के दो सबसे बड़े सुपरस्टार पावर स्टार पवन सिंह और ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव की बेहतरीन फिल्म ज्वाला और जिद्दी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो पहले हम बात करते हैं ज्वाला की। ज्वाला एक एक्शन रोमांस ड्रामा फिल्म थी जिसे रिलीज किया गया था 6 नवंबर 2016 को। फिल्म के स्टार कास्ट में नजर आए थे ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव, अवधेश मिश्रा और तनुश्री। फिल्म को डायरेक्ट किया था भोजपुरी के बेहतरीन डायरेक्टर जगदीश शर्मा ने। फिल्म काफी शानदार थी और इस फिल्म में खेसारी लाल यादव का डबल रोल था। इस फिल्म में खेसारी लाल यादव शक्ति और ज्वाला ये दो किरदार में नजर आए थे। इस फिल्म के लिए उन्होंने काफी ज्यादा मेहनत किया था, काफी ज्यादा वजन घटाया और बढ़ाया था, पर अफसोस ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। दोस्तों, जब इस फिल्म को रिलीज किया गया था उससे दो दिन बाद देश में नोटबंदी लागू कर दिया गया था, जिसका बुरा असर इस फिल्म को देखने को मिला था और ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई थी। फिल्म का बजट था 2,35,00,000 रुपए और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 1,98,00,000 का कलेक्शन किया था। हालांकि फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस ने काफी ज्यादा पसंद किया था, लेकिन बुरी प्रभाव यानी नोटबंदी के कारण ये फिल्म फ्लॉप रही थी। अब बात करते हैं दूसरी फिल्म यानी जिद्दी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। जिद्दी एक एक्शन रोमांस ड्रामा फिल्म थी जिसे रिलीज किया गया था 9 सितंबर 2016 को। फिल्म के स्टार कास्ट में नजर आए थे पावर स्टार पवन सिंह, एक्शन स्टार विराज भट्ट और निधि झा। फिल्म को डायरेक्ट किया था बाली ने। फिल्म काफी शानदार थी। बात करें फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में, तो इस फिल्म का बजट लगभग 2,10,00,000 रखा गया था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 5,70,00,000 का कलेक्शन किया था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही थी। तो दोस्तों, आपको जिद्दी और ज्वाला इन दोनों फिल्म में से कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद आई थी, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी रेगुलर पाने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।